नमस्कार दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट लेसन है। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको मैंने पहले अपने पहले लेसन में बताया था कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे को आशा कि आपने ऐसा किया होगा कि आपने जो प्रैक्टिस की थी अपनी जो मैंने वर्ड की बताई थी आपको, इस पर अपनी उंगली सेट करके और पीछे अपनी एडजस्ट हो जाती उंगलियाँ, तो इस पर अपने देख देख के या कैसे भी आपने प्रैक्टिस की होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मैंने जैसा बताया आपने किया होगा। अब हम क्या करते हैं शुरुआत में, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम शुरुआत में जब भी हम करेंगे तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। जैसे हमने पहले छोड़ा था ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे ए एस डी एफ 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 सेमीकोलन एल के जे। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जी और एच ये दोनों लेने हैं। आपको अब स्टार्ट में क्या करना पड़ेगा, ए एस डी एफ जी, ये फिर उंगली आपकी वापस यहाँ पे, फिर उसके बाद स्पेस, फिर सेमीकोलन एल एल के जे एच स्पेस ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे। अब मैंने आपको एक दो वर्ड और ऐड कर दिया आपके, ये आपकी पूरी लाइन कवर हो गई है, ये पूरी लाइन आपकी कवर हो गई है। अब ये मान लीजिए कि आपकी ये लाइन कवर होगी तो आपका आधा काम हो गया है, यानी आधा काम मतलब आपकी ये लाइन कवर होगी तो आपको आधी टाइपिंग आ चुकी है। आप यकीन नहीं मानोगे ये है और ये आपको आ चुकी है, क्योंकि आपकी इस लाइन पर अगर कमांड हो गई, सिर्फ इस लाइन पर जो हमारी होम की लाइन होती है, इस लाइन पर अगर आपकी कमांड हो गई तो आपको पूरे कीबोर्ड की कमांड हो गई। तो इस पहले हमें इस पे बहुत प्रैक्टिस करनी है हमारा, क्योंकि हाथ यहीं से चलता है, यहीं से सेट होता है। किसी भी आदमी को आपने देखा होगा टाइपिंग करते हुए, वो बिना कीबोर्ड को देखे हुए टाइपिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि उंगलियां उसकी यहाँ सेट हो जाती है। ये दो निशान आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे, इन निशानों पर उंगलियाँ सेट हो जाती है और अपने आप पीछे एडजस्ट हो जाती है। ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे ए एस डी एफ सेम एल के जे। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से करनी है जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, मेरे को उम्मीद है कि आप करोगे। मैं आपको अब करके दिखाता हूँ कैसे होती है टाइपिंग। देखिए दोस्तों, जैसे बताया था मैंने, आपकी पहले उंगलियां पहले आपने स्टार्ट वहीं से करना जहाँ से हमने छोड़ा था, ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे डी एफ सेमीकोलन एल के जे। अच्छा, आपको शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ होंगी और वो माफ़ है। ठीक है, आपकी गलतियाँ माफ़ है, आप कर सकते हो, हैं, और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबसे होती है, मेरे से भी अभी हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको पहले शुरुआत में शुरुआत हरदम इसी वर्ड से करनी है, ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे। उसके बाद आपका जो मैंने बताया दो वर्ड ऐड करेंगे हम, एच और जी। अब कैसे करते हैं, ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे। देखिए दोस्तों, आप इसको लगातार प्रैक्टिस में लाते रहना और ये आपको करते रहना है, क्योंकि ये जब भी आप इसमें मास्टर बन पाओगे और टाइपिंग में कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको टाइपिंग मांगी गई है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, और ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 15 दिन में इतना ट्रेंड बना दिया कि उन्होंने अपना कोई भी CCS का या दिल्ली पुलिस कोई भी एग्ज़ाम है उन्होंने अपना टाइपिंग का जो टेस्ट है वो एक बार में ही क्रैक कर दिया है, और 15 दिन में ही मैंने उनको इतना एक्सपर्ट बना दिया था कि वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। और अगर मैं आशा करता हूँ अगर आपने मेरे कहने से जो मैंने बताया आपको वो किया तो आप भी 15 दिन में टाइपिंग के मास्टर बन सकते हो और टाइपिंग को आप एक आसान तरीके से सीख सकते हो।
सिर्फ आपको प्रैक्टिस यही करनी है, बोलना है ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे एच, ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे एच, ए एस डी एफ। सिर्फ इसी पे ध्यान रखो, आपको सिर्फ ये अपने ये वर्ड ये वो करने हैं, ये जो मैंने बताया आपको अपना ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच, इसी पे आप शुरुआत में इसी पे ध्यान दो। आपकी ये रो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आपका कोई काम नहीं रहा, सिर्फ आपको मैं एक तीन चार ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने टाइपिंग स्पीड को और स्पीड से और तेज़ी से कर सकोगे और जल्दी से जल्दी टाइपिंग भी सीख पाओगे और अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर पाओगे। वो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताऊँगा अपने नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।